भाई चांदराम जी, आपने दिनेश गहलोत की बात डायरेक्ट सुनी है, मैंने नहीं कही ये बातें। चांदराम जी, दिनेश ने जो जवाब मांगे आपने सुन लिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दो बार इन्होंने कही है, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा भाई। इस बात में एक बात और कहूँगा मैं, इस बार एक बार बात और कहूँगा। न्यू नहीं, सिर्फ आप जाकर पूछ लोगे, पूरी मीडिया चलेगी, मैं भी चलूँगा। सवाल पूछने तीनों आप अलग अलग तीन सोलह को जवाब दे दो। जय मैं कितना गलत हूँ, जय मैंने कितना गलत कराया है जिंदगी में भाई, नया माया धर्मी बात होली मुंह दिखाना छोड़ जाएगा, मीडिया के ऊपर गारंटी की बात है। चलो यह बात भी ठीक है, अगली बार अगर विजय विजय का बाप या उसकी माँ तीनों मीडिया के सामने आना चाहे, ये सिर्फ तीन सवाल, तो भाई ये जितने मीडिया वाले मेरे साथी हैं सारे के सामने आ जाइए भाई। बिल्कुल, क्या बात है इसमें, जो क्लियर है वो क्लियर होगा, जाओ भाई। और किससे बड़का भी फैसला करना है ना, प्रेशर तो किसी के ऊपर बनाया नहीं जा सकता, प्रेशर तो जितना बनना था बन लिया और वो उनने एक्सेप्ट नहीं कराया। ईब तो भाई सीधा तोड़ का रास्ता है कोर्ट, चांदराम भी कोर्ट में टक्कर मारने दी तैयार है और तैयारी भी छोरी भी हो रही है। इसका परिवार या अपना 20 तारीख ने और नए जो पत्ते खोल लेंगे वो 20 तारीख ने खोल देंगे, उसके बाद और मामला क्लियर हो जाएगा। सही है भाई, और भी है बात पौन, मेरे ऊपर एलिगेशन लगवा है वे कि मारी छोरी ने लेकर और वो फंडिंग कर रहा है, भीख मंगवा है मारी छोरी का कारण। चलो ठीक है भाई, ठीक है चांदराम जी, चांदराम जी मन्नत है थारी छोरी खातिर भीख मांग के भी तैयार हो गया रखन ने, विजय ने दियो भी काम ना कराया, मैं अपनी छोरी ने अपने लोगों ने भीख मांग के पाल लूं। वो जब रोड के ऊपर खड़ी होगा जब यानी को है, अगर मैंने न्यू तो बता दे मैं जा की थे, बोला मैंने नहीं बेरा कितना जा, बोला मेरी ना सोचता कम तक कम अपनी छोरी के सोच ले। उस टाइम पर वो न्यू कह दे है अगर ना मैंने नहीं बेरा कितना जा, यार कौन सी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, वह सवाल मेरे उठाने लग रहे हैं। एक बार पूरा पूरा समाज जितने मेरे भाई हैं जाकर पूछ नहीं सकते उससे, न्यू तन कौन सी जिम्मेदारी निभा दी भाई। उस दिन वो छोरी वाला कितना, आज वो न्यू कहा है अगर मारी छोरी ने लेकर भीख मंगवा है भाई, मैंने तो फिर भी भीख मांग के थारी छोरी रख दी थारी, जितना अपनी जितना मारी तो बेबे ही रहेगी और जिंदगी भर रहेगी। इन्हों नहीं है कहा दो दिन की है या गारंटी की बात है, फोन कर दे देखे जाइए, हम नहीं साथ छोड़ेंगे। इतना छोरी उल्टी नटेगी ना अपनी जगह आता है, हम नहीं अपना स्टैंड उल्टा नहीं लेंगे, हम अपने स्टैंड पर कायम है। हमने तय फिर भी न्यू कहा है मेरे भाई, सारे हाथ जोड़ गए, अगर जो सवाल जवाब आ रहे हर मामले में जितने भी एलिगेशन लगे छोरी पूछे जा रहे हैं, वे सिर्फ दो बार मीडिया में तीन बार मीडिया में आ गए और करके मतलब उल्टी छोटी बात और साइड में हो जाए। एक बार दे दो जवाब है मैं चांदा जी का, सेमी मीडिया का आगे इन बात का जवाब देगा, तेरी औलाद कमा खाने की नहीं थी, तू क्यों ब्याह होता क्योंकि दूसरी छोरी की जिंदगी बर्बाद करता, पूछेगा कुछ पे बात पूछेंगे। देखो पूछने वाली बात तो सीधी ही आए है, अगर भाई कह दी आप मीडिया के सामने इब की बार आओ तो भाई जितने भी मीडिया वाले उड़ाना चाहो सारे आ जाएंगे और सब का सामी भाई आप आ जाओ और खुल कर जवाब दो। सही बात कही है कि भाई अगर आपके मन में लड़की पैदा होने के बाद में आपकी वाइफ में से इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये चीज़ तो भाई दुनिया की सारी लुगाई फिर तो नहीं सही है, फिर तो रोज़ किसी न किसी का बालक तो होएगा, जैसे ही बालक होगा आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ें देखो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई, इन तो डायरेक्ट अच्छा वो रह रहा भाई, माल रह रहा भाई क्यों रह रहा है, दुख पड़ रहा है भित्र और दुख इस बात का पड़ रहा है, मन कितने भी कुछ गलत आज नहीं करे नहीं, सवाल मेरे बैठाए जा रहे हैं। मन है सिर्फ रात ने एक छोरी घर तले कट गई जब वो आए उसका आसरा दिया है और न्यू कही है चिंता ना करा है, जब तू अपनी जगह सोगी सो है और अपनी जगह खरीगी खरी है तो हम तो उल्टे की ताटा नहीं गे कितने दी चाली हो गए। ये तो मैंने भी कही है, मैंने विजय को इंटरव्यू में कल बोला है, कल परसों जब मैंने इंटरव्यू डाला कि भाई तन्ने काट दी तेरी ससुराल वाला ने काट दी, ससुराल नर पियर ने काट दी तो कितने तो जागी या मर जावे बस सॉरी तो देश राज्य। सही बताऊं ये भी होता है, लोग तब निकल के आ जाते हैं जब लड़की की तक कुआ जोड़ में कूद गए, जान दे ले फांसी खा ले जहर खा ले, जब तो हो जाओ राजी, नीचे कमेंट लगेंगे सो सैड बेबे बढ़िया थी फलाना था आरआईपी फलाना ढकन नूर हूं। एक बात बता, या छोरी जो अपनी ठरू की बेटी थी और जो जुए ब्याह रखी थी वह रोनती रोनती वीडियो बना रही है, आप पौने एक चीज बता आत्मा तो सोच के देखिए तू मर जाएगा नहीं, मरना इतना आसान थोड़ी हो है, अंत होले है जब मर रहा है, अंत में होले जब मर रहा है। वह छोरी क्यों रोनती रोनती वीडियो बना रही है, अगर भाई जब तुम्हारा भाई हो ना इन पापी आगे मेरा हाथ ना लगे कर्जा पट जाए, बात सुनकर पौन
कर्जा पाट गया बस उनके उसके नीचे कमेंट लिखा है जितने भी लिखा है एक भी नहीं निकलता है छोरी गलत थी ज्यादा मरगी सारे बहुत गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए और गारंटी की बात है उस दिन जाए कुआ जोड़ देख लेती है कोई लाइन देख लेती है ले लगी तो ये जितने भी सवाल ठाना करे ना ये नहीं कह देते बहुत गलत हुआ छोरी के साथ हम गेल खड़े एक बात मैं भी आप लोगों को कहना चाहूंगा बार बार आप नीचे कॉमेंट लिख देते हो मीडिया काम खराब करा है ये आप लोगों का बहम है भाई इस बहम ने दूर करूंगा एक मिनट के अंदर अंदर जो हमारे पास फोन करा है ना वो घर परिवार से पंचायत इकट्ठे करके परिवार की उस तक छकले हैं गांव की पंचायत करके छकले हैं थाने तहसीलदार तक छकले हैं कोर्ट तक छकले हैं जब वो दो चीज सोचे हैं या तो मरना है या मीडियम जाना है हमारे दौरान जब या छोरी मेरे सारे बैठी है मैंने पहले भी एक बात कही थी ई फिर कहूँ कितनी देर समझाया था तेरे को पूनम बेबे मीडिया पे मता यहाँ से रोहतक से सोनीपत जाके क्या मेरा मैं वीडियो बनाने तो गया हूँ उड़े और केलामणीकरण गया था और उड़े जाके भी मैं इसको बेबे को समझाऊं बहन वीडियो मत बनवा आध घंटा लग गया था भाई इन बात में आध घंटे बाद बनाई थी मना कर रहा था ना कि बेबे नुए मना लेंगे तो फिर भाई यह बात भी आपने दिक्कत थी मजबूर थी मैं दो महीने लोगों को जो मैं मेरे जवाब देने का तरीका कहने का मतलब ये है कि भाई जो लोग ये कहते हैं ना बार बार मीडिया काम खराब कर रहा है ऐसी बात नहीं है हमने अपने बिहेवियर पे बहुत सारे घर बसवाए हैं इनके जैसे टूटे हुए एक दूसरे के साथ मिला है और अच्छा आज उनका अच्छा घर बार चल रहा है जरूरी नहीं है मीडिया खराब कर रहा है हाँ दोनों पक्ष सुनने का काम है हमारा हमने पूनम को सुना इसके हस्बैंड को सुना दिनेश के ऊपर एलिगेशन लगाए दिनेश को सुना हर किसी को सुना है के मेरा हर कोई आदमी अपनी बात न ऊपर रखे अगर मैं सच्चा हूँ अपनी बुराई तो कोई बताता ही नहीं सुने मैं बताऊंगा अपनी बुराई मैं बताऊंगा मैं कति सच्चा नहीं 100 का 100 झूठा हूँ मैं मीडिया में कबूल कर लूंगा यह बात एक भाई तीनों आदमी पूरी मीडिया के आगे बैठ के सिर्फ 316 के जवाब दे दो भाई साहब अगर हाँ यह बात जय मान लिया विजय का इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो उसने हर बार नहीं छोड़ी चाहिए और जब नहीं चाहिए तो इंटरेस्ट खत्म क्यों हो गया इस बात का मैंने एक घंटे की वीडियो है एक घंटे की वीडियो में मैं 10 बार नहीं पूछी मैं भाई ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं दिख रहा जो विजय घर पट है चलो एक सवाल मेरा लास्ट है पूनम बहन से पूनम तेरे ससुर ने वो तेरे हस्बैंड ने तेरे देवर ने एक बात कही है कि ब्याह के थोड़े दिन बाद तने दारू का पैग मार लिया था मेरे वीडियो में नहीं कही है लेकिन मेरे को पर्सनली बोला यार मेरे दिमाग में भी याद आई वो बात मगर ये पूछ लूँ बहन लड़कियां शराब पीती अच्छी नहीं लगती भाई पेटी की पेटी लाकर दिया करता मेरा ससुरा मेरे पीनी पड़ेगी क्या मौका था वो कौन सा मौका था जिसमें आपने पैग मारा था शादी की खुशी थी भाई मेरी एक भी मेरी शादी होगी इस मारे मैंने पी ली मेरे ससुरे की बड़ी बात करूँ चांद पापा की बात बड़ी करूँ मैं बोतल लेकर दिया करते अब मैंने जो मैं रोज पैग मार कर सोया करती मतलब इंजाम लगा मैं था पर बहुत बढ़िया बढ़िया लगा मैं चल रहे तो जो चल रहा है चलो भाई वीडियो तो हमने देख ली जितने भी चैनल है भैया वीडियो वायरल होगी भाई वीडियो को शेयर कर देना अच्छा रही है परसों आप उन बुला लिए उससे पहले मेरे दोनों फोन आवा है किसका विजय का तड़के आवा है सुबह रही किस टाइम ध्यान नहीं मेरे तो काट के दिखा दूंगा वो उस दिन भी मैंने को ना उस टाइम मगा विजय तना सरवाणी चाहिए तू रोड पर खड़ी छोरी ने न्यू बोला मैं नहीं जानता तने तेरी बात कितनी गलत थी वो भाई साहब मेरे दोनों रिकॉर्डिंग है मेरे दो रिकॉर्डिंग है वो न्यू बोला या बात मेरे कितक वाले मैं भी कह दूंगा उन आज मैं शर्म सह की थी यार वो भी मेरे तो रिकॉर्डिंग है मेरे ऊपर एलिगेशन और लगे मैं सारे सवाल पूछे को नहीं आपने फिर मेरे ख्याल फिर बता दो आप बता दो मतलब और भी एलिगेशन एक लगाया है एक मैंने उस तन्यू कही एक मैं पहला फुसला कर तलाक दिवा दूंगा बिल्कुल कही भाई बिल्कुल कही मैं अपनी गलती मैंने कदम उल्टा नहीं टहरता मैंने जो पर्सनली तौर पर जाना है सारी बात जाना है जितना गलती करूंगा तो गलती मान लिया रूँ मैं बिल्कुल कही अरे या कोई ना कही गिले या भी कही मगा भाई मैं तेरे तेरी सोरी भी दवा दूंगा केस भी उठवा दूंगा अभी इतने जान दूंगा तू क्यों मान ले फलान टकड़ मतलब ये बात कही मैंने बिल्कुल कही है गेला मैंने यह भी कही मगा भाई ऐसा है दया लगी वो अब झूठ बोल ली मैंने उस तरह मगा भाई ऐसा है मैं भी करता नहीं काट दिया था एक बार मैं भी कोरे कागज पर साइन करवा लिया मेरे पापा ने पर मैंने उस टाइम पर अपने बालक ना छोड़े रिकॉर्डिंग पूरी वो जो कहा वायरल करूंगा वायरल मैं करूंगा तू क्या करेगा यार मैंने मेरे पापा ने साइन करवा लिए अगर भाई छोड़ दे बालकन नहीं तो करते बेदखल कर देंगे मैं बोला भाई बेदखल होना मंजूर है मैं अपने बालकन को नहीं छोड़ दूँ या बात भी कही मतलब उस दिन 17 मिनट मेरी बात हुई वो ने बोला बोला ना मन ने तय रखनी है को ना ये वो बेटी क्यों याद आ गई उसका मेरी आपस में थी अरे याद आ गई तो भाई याद जोड़ रहे हैं पा पकड़े विजय मैं तेरे सर पाए खंडवा टेकू तेरे भी तेरे बाबू का भी ले जा नट्टू को ना भाई लगी लगी चोट में दर्द ना हो तो दर्द पना के उसे
जर्दपणे में जर्द ना दिखे तो जर्दपणा के हो से, कड़कती ठंड में ठंड ना लागे सर्दपणा के हो से, और जो ब्याही वीर ने छोड़ के चला जा तो मर्दपणा के हो से। सौ की सौ बात कह दी, एक बात बता दू इसके पूरे परिवार के ऊपर, एक बात याद मेरे भी आगी। एक राजा उड़े जन्मदान दा और रानी ने पट्टी बंधा ली, एक राजा उड़े जन्मदान दा रानी ने पट्टी बंधाई थी, पाप धर्म की हुई लड़ाई, बीच में चौसर बिछाई थी और धर्म डूब गया, धर्मराष्ट्रा धर्म डूब गया, नारी दा बलाई हो और पच्चू पांडू बलधारी एक नारी गई ना बचाई हो, कौन से उसकी बात कर रहे हैं वे, एलिगेशन बेलिगेशन लग रहे हैं, या बुंडी भी अच्छी भी या मर जाती ना तो पूरी मीडिया ने कहती बहुत गलत होया है, पूनम बहन को न्याय दिलाओ, फलान करो ढकड़ करो, बहुत ट्रेंड चले हैं, निर्भया कांड पे इतने मोमबत्ती जली है, कैंडल मार्च हुई है, ये भी एक जिंदी छोरी अपने हक की लड़ाई लड़ा है तो वह गंदी भी है, बुंडी भी है, चोरटी भी है, विजय परसों भी मेरे तो नहीं बोला मेरे पे कितना कुआ लिया मेरे को ने भी कौन सी बात कर रहे हैं, उसकी बहन है उसकी बेटी, उसकी बहू ने उसकी बेटी ने, चाहे मैं भीख मांग के पालूँ, चाहे मैं ठोकरा में राख पालूँ और चाहे मैं टोकरी गेर का पालूँ, राखते रहे हम। चलो भाई मेरे हिसाब से ये वीडियो होली तो ना सारी बता ली भाई, देखो ये मामला रह गया जो अपने दिनेश पे एलिगेशन लगाए थे, दिनेश ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, पूनम तो बेचारी देने लग रही उस दिन तय। जितने भी बाण भाई देखे सारे का हाथ जोड़ गया, निवेदन है कमेंट करके स्पष्ट नहीं बता दियो कड़े में गलत हो गया और कड़े मेरी गलती है, दूसरे या बात भी बता दियो कि एक ना जो 2-4% या 10% या 50% जितने भी उल्टे सोल्टे कमेंट आए हैं और उनके उत्तर वे बाण भाई दे हुए हैं मीडिया वाले, हम नहीं दे किसी के उत्तर, वे डिलीट क्यों मारे जा। चलो भाई डिलीट मारने के विषय में आ जाओ, एक वीडियो और बनेगी भाई डिलीट वाले विषय में आ जाओ, वो कमेंट कई कमेंट किसे होते हैं भाई, कई इंसान इसे हो हैं वो होते ही नेगेटिव हैं, प्रकृति भगवान उनको नेगेटिव पैदा ही करता है, वो किसी का ब्याह होगा ना जब भी आँख मारेंगे कि ब्याह दोष है, वो मर जाए जब भी मरे तो गया, मतलब छोरा हो जाए जब भी छोरा है तो गया छोरे, मतलब उनने नेगेटिव पना ही रखना भाई, वो कितने नहीं जा सकते वो आड़े रहेंगे भाई, तुम भी लागे रहो थारी भी जरूरत से। तो क्या कहना चाहोगी, मैं विजय की बात आप तो इंटरव्यू लेके आए थे उसने, वो बार बार मैंने करा मना मेरी छोरी चाहिए, मना मेरी छोरी भी तो मेरे तय आई होगी यार, भी उसकी मेरी छोरी का उस दिन रिश्ता खत्म हो गया था जिस दिन मैंने उस दोहरा आखिरी बार फोन करा था, अब विजय हम रोड पर खड़े हैं किस जाम है, मेरी छोरी का उस आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, रही दूसरी बात उसकी औकात नहीं है कि वो छोरी ना पैर लेगा, उसकी औकात एक चूड़ी पैर के बैठ जा रहा, मैं तन्ना करके खवा दूंगी। चलो भाई यो भी डायरेक्ट जवाब दिया है विजय, सीधम सीधा आपको जवाब दिया है, आप एक लड़की को एक वाइफ को एक मतलब परिवार को पालने के लायक नहीं हो, ये आपकी वाइफ ने आपको डायरेक्ट बोला है। तो भाई वीडियो तुमने देख ली, टोटल बातें सुन ली भाई, वीडियो को शेयर करो, पहली बात तो यह है, मैं तेने कहूँ यह वीडियो पढ़ते ही पहला या चांदराम मर्दो रहे जानी चाहिए, सारी ने देखियो भाई, सारी ने देखियो भाई, और वीडियो को भाई इतना शेयर करो सोशल मीडिया पर, यह वीडियो इतनी ज़्यादा जानी चाहिए कि जो ऊपर समाज के जो ठेकेदार बैठे हैं ना उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जो रोज़ बड़े बड़े मेरे भाई हैं जो छोटे छोटे मुद्दे ने इतने बड़ा बना कर बम बनाए रखे हैं, सांझ तई फेसबुक ने बस ही रखे हैं, यह वीडियो उन तई जानी चाहिए भाई, इतने दिन हो गए तम खड़े हो, छोटी छोटी बात तब आप लोग बोलते हो लेकिन मुद्दे की बात पर बोलो भाई, अगर पूनम गलत लागे तो पूनम के खिलाफ बोलो और पूनम सही लग गया है तो पूनम के साथ बोलो, बोलो भाई, और जब मन ने गलत करा है तो मेरे भी खिलाफ बोलो भाई, इसके खिलाफ यो गलत करेगा तो हम बोल पड़ेंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। सारे भैया तो भाई रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दो, सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य कई आदमी एक बार चलता रहने दो भाई, कई आदमी कई बार के कहा अगर पवन तू स्वाद लेने लग जा है भाई, मैं स्वाद नहीं लेता, हंसना हंसाना ही जिंदगी है, या छोरी इतनी डिप्रेशन मर हुआ है, मैंने दिनेश से पूछा था इतनी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मर हुआ है, डिप्रेशन आदमी ने मारा अगर हमेशा डिप्रेशन ही मारा। एक बात याद आई मेरे, उस दिन आपका फोन आया दो दिन पहले, मतलब बोला भाई पूनम की छह मैं पवन रियलिटी यह है, एक दो दिन थी मैडम के पास थी जरूरी को नहीं खाएगी इस पर रोए रोए, जब कोई किसी बालक ने कोई भी घर नहीं दिखता ना पवन, मान लिया हम भी आ जाए इसमें, हमने कल घर छोड़ना पड़ जाए, कोई भी रानी दिखे तो मेरे ख्याल से मेरे भाई या छोरी जीत गई, लड़ने की हिम्मत रख रही है। वो तो मैंने इसको पहले दिन बोला था जब लोगों ने नीचे पहले वीडियो में नीचे कमेंट करे थे लड़की तेज है, मैं यही बात पूछने गया था ना, लोगों को जवाब देने गया था ना, तेज होना मतलब कोई अपनी हक की लड़ाई लड़े है तो तेज है, तो भाई तेज होना पड़ेगा, तेज रहिए
और जितनी और बाण है, देखो जरूरी नहीं है हर जगह लड़कियां ही सही हों, ऐसा नहीं है। हम भी हैं भाई, हम अपने खातर भी लड़ेंगे, पुरुष भी है, ये पुरुषों के भी बेचारे बड़े दुखी हों हैं। कई छोरी भी हमारी बाण भी इतनी मोटी गलती करे हैं, इतना टॉर्चर करे हैं कि पुरुष भी दुखी हैं। हम सही के साथ हैं, चाहे भाई वो हमारे कोई भाई के गल्ला दिक्कत है, चाहे हमारी बाण के गल्ला है, माता पिता गल्ला, बुजुर्ग गल्ला, जहाँ भी जाकर खड़ा होगा सोशल मीडिया सही के साथ जाकर खड़ा होगा भाई। ज़्यादा हर एक आदमी की मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा कीचड़ होया करे, कई बार थोड़ा घना मारे में भी होगा, होगा भाई, एक आधा मारे में भी असली पा जाएगा भाई। उसने सिर्फ वीडियो तो मतलब है, चाहे उसने गोबर खाना पड़े, वीडियो गिरने का मतलब है व्यू चाहिए भाई, व्यू खातर काम ना करते, सोशल मीडिया पर काम करा। हाँ सोशली काम करेंगे, आम काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, नुए लागे रहोगे भाई, अच्छे कमेंट करोगे जब भी लागे रहोगे, बूंडे करोगे तो भाई मैंने पहले भी कही है, तुम जो हमारे खिलाफ कमेंट करो हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हो, जो हमारे तगाल दे है वो तो और कुछ सिखाओ है। मैंने एक चीज़ महसूस करी है, एक आईडी से एक दिन तो नू लिखा कर हरियाणा का सबसे टॉप का पत्रकार, अगले दिन वो ही माँ बाण की गाली भी दिया करे, तो भाई वीडियो को शेयर करो। एक अपील और है भाई, सारे बाण भैया थे जो भी नज़दीक के हैं या दूर के हैं, कई बाण भैया आओ भी गए, 20 तारीख ने छोरी का जो जन्मदिन है डोब मंदिर में इसीलिए मनाया जा रहा है। जितने भी बाण भाई जो सवाल जवाब करना चाहे डायरेक्टली आके 11 बजे मनाओ, टाइम दे दे 11 बजे दिन में, सुबह 11 बजे कदे कोई सांझ ना आओ, जन्मदिन सांझ ना मने भाई, तड़के 11 बजे मनाया नहीं जा रहा है दिन में, जितने भी बाण भाई दूर ताओगे एक सामने कोई नहीं आओगे, आ गए डायरेक्ट सवाल जवाब मारे थे भी कर सको भाई सीधे में सीधा, अरे छोरी तुम कर सको और फिर फैसला कर लियो कौन गलत है कौन ठीक है। विजय तेरा भी बुलावा है भाई, तू भी आ जाइए सारे भाई, विजय ना भाई ना मैंने बेबे बना ली तेरा बाबू न्यू कहता बोले तेरा जीजा, यस आइसोलेट यू जीजा, छोड़ दी राम है आज ये जीजा पलावा है। अरे एक बात हो रहा है, वो अनु कह रहा है मैं रोड पर खड़ी थी, 4-5 गुंडे ले यार, तो मेरी गल्ला जा रहा गुंडा ही कुकर आ जाएगा, वो उसमें इतना दबना वो मेरे से मिल जाएगा। चलो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सारे भैया ने राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में जयते।